पूरा इतना बड़ा पैकेट आया था पकाए थे, 2 दिन में सफा चट, मैंने तो 2 निकाली, बाजू में रखी थी, मैंने ले आई अंदर। पूनम ने इतना सुंदर सजाया है, खुद भी पूनम इतनी अच्छी लग रही है। ये गुलाब निकले थे, इसको मैंने उसे चिपकाया, फिर ये वो है उनका कपड़ा बट्टी। हमारे ब्रेकफास्ट में शॉर्टकट और स्वागत है आपका फिर से एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। आज है गणेश चतुर्थी, उसकी आपको ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारा काफ़ी पैक्ड है क्योंकि हमको 4-5 जगह अभी जाना है दर्शन के लिए, और बस पूरे एनवायरनमेंट में गणपति बप्पा मोरिया की आवाज़ें आ रही है। आज लेकर आते हैं गणपति बेसिकली, और महाराष्ट्र में तो ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। करने के लिए है बिल्कुल रेडी, और अंकु मिन्नी का तो भी काम चल रहा है तो उनके आज छुट्टी नहीं है, उनके लिए खाना बना दिया है, और बस हम दोनों रेडी हैं निकलने के लिए पूनम के यहाँ। पहले पूनम ने इतना सुंदर सजाया है, खुद भी पूनम इतनी अच्छी लग रही है। क्या बात है। ऐसे एंट्री करी ना, ऐसा लग रहा है मंदिर है। खुद भी आगे बैठ गया ना कर रहे हैं लोग, बैठ गया। वापस आके एक ब्लॉग एडिट किया है, चल रहा है चाय टाइम। मिन्नी को 10 मिनट की फुर्सत मिली है, गर्म हो रही है, जगह से स्नान कर लूँ उससे। आराम नाम से पियो, ठंडी ठंडी करके पियो, राम नाल पियो, राम नाल पियो। मैं तो जब किसी पंजाबी से, मेरे बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड्स उनके घर में जाती थी ना, तो पर्सनालिटी ही अलग दिख के आती है ना, लाइवलीनेस ज्यादा होती है ना, बहुत लाइवली, बहुत ही वार्म होता है उनका डांस। कितना अच्छा लगता है ना वो, जब वो भांगड़ा करते हैं या उनका डांस एनर्जेटिक। दिल से और बिंदास होके, एकदम कॉन्फिडेंटली, और मतलब दुनिया की परवाह नहीं है, ना कि रूम में कोई नहीं बैठा ऐसे नाचो, वो उनका है, वो भांगड़ा वालों की टैगलाइन होती है। लेना चाय में खाने में हमारी इसी टाइप की कन्वर्सेशन चलती है, कुछ भी हमारा टॉपिक हो जाता है फिर हम उस पर शुरू हो जाते हैं। अभी हम निकल रहे हैं ममता के यहाँ, ये ममता यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है। खाने की हम देख चुके हैं, अब हम डेकोरेशन की देख रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है,
बहुत प्यारा दिमाग लगाया मैंने कहा चलो आज निकला कभी कभी कुछ दिमाग चला लेती हूँ मिन्नी ने अपना नया स्टाइल निकाला है व्लॉग देखने का मैं पापा ने रखा है मैं ऐसे लेके खाती थी ना ऐसे एक हाथ में वो लाएगी इस तरह से रख दिया अच्छा अच्छा स्टाइल है ना हाथ में पकड़ने की जरूरत मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच व्लॉग के थ्रू उस इस फोन के थ्रू उस टीवी में देखा है इंडिया पाकिस्तान का मैच समझ में आ गई आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच की और लास्ट में जो हार्दिक पांड्या वाला वो फेमस हो गए उसमें बहुत सारे वो बने मीम्स वो अच्छे वे में हाँ कि तेरा भाई संभाल लेगा ऐसे वाला एक्सप्रेशन दिया था ना उसने मार दूंगा छे सही बात है लास्ट में इसने जमा लिया और खाने के साथ मिन्नी ने यहाँ पे अपनी कुछ चॉकलेट्स भी कोने में नहीं ऐसे ऐसे करके झांक रही है वही मुझे दिख रहा है पूरा इतना बड़ा पैकेट आया था पकाए थे दो दिन में सफा चट मैंने तो दो निकाली बाजू में रखी थी मैंने ले आई अंदर ऐसे खाना पड़ता है भाई लोग इस घर में हमारे घर में आप कभी भी आए तो उस बात का ध्यान रखें और यहाँ से एक अच्छी बात है कि मिन्नी की सारी चीजें हट गई हैं जो कि इसमें आ गई हैं ये एक्चुअली अभी ये दोनों भी इसमें ही आने बट मेरे को ये मिन्नी का एक बड़ा प्यारा सा क्यूट सा कस्टमाइज बैग है जो मेरे दोस्त ने दिया है जो मिन्नी की फ्रेंड ने दिया है जो इस वक्त अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठी होगी और उसका ये बैग उसको याद दिला रहा है उसकी इसलिए इसने बिल्कुल अपने सिराने रखा है वॉक मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा घूम के आता हूँ ये मॉर्निंग वॉक नहीं है ना ये मॉर्निंग वॉक आफ्टरनून मिड वॉक कौन सी वॉक कहेंगे इसको मिड मॉर्निंग और मेरा सुबह के काम तो भी खत्म हो गया है ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है अब दिन का प्लान में ये है कि कल जो मैं दो जगह नहीं गई थी मुझे आज वहाँ पे जाना है दोपहर तक लंच के बाद 5 बजने वाले हैं आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी ढोल वोल बजने की मतलब कि जो 1.5 दिन का विसर्जन है आज पहला विसर्जन है तो वो स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए तो बस मैं अब निकल रही हूँ उनका टाइम है 7 बजे का तो अभी मेरे को 2 जगह और जाना है यहाँ पर भी पंडाल लग चुका है सोसाइटी में 3 तारीख को यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं विसर्जन के लिए जा रहे हैं आवाजें आप सुन सकते हैं बट अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं बस तो ये थे गणेश चतुर्थी के 2 दिन अभी भी आपको बैकग्राउंड में बैंड बाजे की आवाज़ आ रही होगी अभी विसर्जन शुरू हो गया है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मुंबई में एक अलग ही माहौल रहता है इतनी धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट में एक इतनी अच्छी वाइब्स पॉजिटिव एनर्जी रहती है सो मतलब ओवरऑल इस समय पूरा एनवायरनमेंट पूरा वातावरण एक भक्तिमय वातावरण हो जाता है तो बस इसी अच्छी एनर्जी से मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और आई विश कि आपके जीवन में भी गणपति बप्पा सुख समृद्धि लाएं और आपके सारे दुख दूर करें सो फिर मिलेंगे नए दिन में नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर